कल ना मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके मैं आंसर्स करूंगी। तो उन क्वेश्चंस में से कई क्वेश्चंस थे, उनमें से एक था कि आपकी यूट्यूब की सैलरी कितनी आती है ना, ये क्वेश्चन था ना। मैंने एक बार बहुत पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, उस टाइम भी सच बोला था, आज भी सच बोलूँगी मैं। उस टाइम क्या था कि मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं हो रखा था, तो मेरी इनकम आती थी लेकिन बहुत कम आती थी, बहुत कम आती थी। लेकिन आज के टाइम में मेरा चैनल आप भी देखते हो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है, मेहनत की है मैंने, पिछले 8 महीने से लगी हुई हूँ, बिल्कुल एक एक दिन, मतलब मैंने 3-3 वीडियो निकाली है, एक एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो, इतनी मेहनत करी है अपने चैनल के साथ, अपने काम के साथ। तो मैं आप में से किसी को डिस्करेज नहीं करूँगी, ये नहीं कहूँगी कि नहीं यूट्यूब से बिल्कुल सैलरी नहीं आती, कमाई नहीं आती है, बिल्कुल आपका घर नहीं चल सकता है। अगर आप मेहनत करते हो तो आपका घर भी चल सकता है, अच्छे से चल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो, इस महीने मेरे पापा जी की सैलरी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ना, अगर आपके 7,000 रुपये से कम बनते हैं पैसे तो आपकी सैलरी नहीं आती है। और मेरे पापा जी की 3,000 रुपये बने थे, टोटल 3,000 रुपये, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन इसका कारण ये है क्योंकि मेरे पापा जी ने पिछले महीने ज़्यादा काम नहीं किया था यूट्यूब पे, 4-4, 5-5 दिन बीच में वीडियो नहीं आई थी या वीडियोस भी कम डाली थी, और शायद थोड़ा सा काम कम किया था पापा जी ने। जैसे एक रेगुलर 30 के 30 दिन अगर वीडियो डाल देते पापा जी ने, शायद 15 दिन ही डाली हो वीडियो, तो काम भी कम किया था, व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, तो इसलिए पापा जी की सैलरी नहीं आई। तो वो पैसे ना पापा जी के, अब जैसे इस महीने भी वीडियोज़ डालते रहेंगे तो कुछ अर्निंग होगी वीडियोज़ से, तो उनको मिला के टोटल तब पैसे अब इस महीने अगले आ जाएंगे, मतलब अगले महीने, हाँ अगले महीने 26-27 तारीख को पैसे आएंगे, क्योंकि पिछली बार नहीं आ पाए, मैं सच बता रही हूँ। और रीज़न ये है सिर्फ कि पापा जी ने वीडियोस नहीं डाली ज़्यादा, इतना मतलब नहीं किया। अगर रेगुलर वीडियो डालते हैं मेरे पापा जी, तो मेरे पापा जी के 6-7 हज़ार रुपए महीने के बन जाते हैं। ज़्यादा इसलिए नहीं बनते हैं, मैं बताती हूँ बात क्या है, क्योंकि ना डिपेंड करता है आपके, ना इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी व्यूज़ पे भी डिपेंड करता है, टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है, हर एक चीज़ डिपेंड करती है आपकी। और जैसे YouTube क्या करता है ना, शुरू का 1 घंटा चेक करता है, उसमें देखता है कि आपकी वीडियो कैसी है कैसी नहीं है, मतलब कुछ होता होगा एल्गोरिथम, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं वैसे पापा जी का चैनल पे सब्सक्राइबर अच्छे खासे हैं, मतलब व्यूज़ भी ठीक ठाक आते हैं, पर पापा जी की इनकम कम आती है, मेरी मम्मी की थोड़ी ज़्यादा आती है। मेरी मम्मी की भी बता देती हूँ, मेरी मम्मी के 10,000 रुपये तक बन जाते हैं महीने के, और मेरे पापा जी के बनते हैं 6,000 से 7,000 रुपये यूट्यूब से बनते हैं, ठीक है। और मेरी मम्मी को भी देखो 10,000 के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, रोज़ की एक वीडियो तो मम्मी डालते हैं, लेकिन वो भी अब है, क्या पता आने वाले दिनों में 10,000 से भी कम बने पैसे, या 10,000 के 12,000 भी बन जाए, या 10,000 के 5,000 ही रह जाए। लेकिन यह है कि मेरे मम्मी पापा जी जो है प्रमोशनल वीडियोस नहीं करते, जिनकी वजह से अर्निंग इतनी नहीं कमा रहे हैं यूट्यूब से, इतना नहीं कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करती हूँ अपनी, कि मैं यूट्यूब से कितनी सैलरी ले लेती हूँ। तो आपको पता है कि मेरा चैनल काफ़ी अच्छे से ग्रो कर चुका है, मेरे व्यूज़ भी ठीक आ जाते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपकी, मतलब बाकी चीज़ें भी सारी डिपेंड करती है। देखो आपको पता है कि मेरे 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, तो इस चीज़ का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे अब मेरा सिल्वर प्ले बटन आने वाला है, तो वो भी आ जाएगा, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है। हर चीज़ का एक होता है ना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत करी है मैंने इस चैनल के साथ, तब जाके मेरी आज के टाइम में जो इनकम है यूट्यूब से, 30,000 से लेके 50,000 तक मैं अर्न कर लेती हूँ। मतलब 30,000 भी आ सकते हैं किसी महीने मेरी सैलरी, किसी महीने 40,000 भी आ सकती है, किसी महीने 45 भी आ सकती है, और एक महीने मेरी 50,000 भी आई है सैलरी। तो अब जैसे मेरे इस महीने मेरे व्यूज़ डाउन आ रहे हैं, तो मेरे 35,000 तक सैलरी आ सकती है, 30 से 35,000 के बीच में आ सकती है मेरी इनकम। या इसके अलावा हो सकता है कभी मेरे अच्छा काम करूं और अच्छी वीडियोस डालती हूं, या फिर मैं अब ज़्यादा काम कर इसीलिए कर रही हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अपना इसका घर की इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट करवानी है। तो हो सकता है मेरा टारगेट रहता है कि मेरे ना 50,000 तक आ जाए यूट्यूब से, मैं ये सोच के चलती हूं। लेकिन अगर मेरे 40 भी आते हैं 35 भी आते हैं, मैं उसमें भी बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। क्योंकि मैं जब प्राइवेट नौकरी करती थी ना, तो मेरी ना
जब मेरे को आज भी याद है, जब मेरे को एक बार 15,000 की नौकरी लगी थी ना मेरी ये प्राइवेट नौकरी, मैं उसमें इतनी खुश थी ना, क्योंकि जब आप अपनी मेहनत से पैसे कमाते हो तो अलग ही खुशी होती है। और मेरे को खुशी है, मेरे को ना कभी भी मैं ये नहीं सोचती चल आए ठीक है। तो मैंने आपको अपनी एग्जैक्ट मतलब जो जितने भी पैसे मैं कमाती हूँ यूट्यूब से मैंने बता दी, और इन पैसों का मैं क्या करती हूँ, मैं इन पैसों की को अपने घर की जो पेमेंट है उसमें लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर के लिए ये काम करना है। इसके अलावा जो प्रमोशनल वीडियोस मैं करती कम हूँ, मैंने बहुत कम करी है, लेकिन जो प्रमोशनल वीडियोज़ अगर आपको मिलती हैं तो उनमें आपको जैसे कि हो कई तो प्रमोशनल वीडियोस ऐसी होती है जिसमें सिर्फ आपको वो चीज़ मिल जाती है। जैसे हम कई बार क्या होती है कपड़ों की ऐड करते हैं आपके सामने, तो उसमें क्या होता है हमें कपड़े फ्री में मिल जाते हैं और पैसे नहीं मिलते, ऐसी होती है। ये बेंटर बेसिस पे होती है ऐड जो हर कोई करता है। इवन मुझे एक रिसेंटली एक ऐड का ऑफर आया था जिसमें मुझे 5 प्रोडक्ट थे। एक तो चेहरे पे लगाने का वो था, एलोवेरा जेल, हाँ एलोवेरा जेल होता है उसका था, सिर के तेल के वो थी, मतलब 4-5 प्रोडक्ट थे उसकी मुझे ना ऐड करनी थी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, सिर्फ वो सामान मुझे दे रहे थे, तो मैंने मना कर दिया। मैंने इसलिए मना किया क्योंकि मैं वो सामान, मैं कुछ भी सामान ना जब तक मैं अच्छे से यूज़ नहीं करती मैं अपने चेहरे पर लगाती भी नहीं हूँ, कम लगाती हूँ मैं, बहुत थोड़ी चीज़ें, लेकिन अगर मैं ऐड करती हूँ किसी चीज़ की तो वो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। तो मुझे लगा अगर मतलब वो मुझे 500 रुपये भी दे देते या 1,000 रुपये भी दे देते उसको ऐड करने की, मुझे एक वीडियो के लिए 500 रुपये भी दे देते तो भी मैं कर देती, लेकिन फिर मेरे को लगा फ्री में मैं, क्योंकि मेरे को वो सामान फिर वही घर में पड़ा रहता, इसलिए मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं किया। तो अगर मैं प्रमोशनल वीडियोस अभी मैं बहुत कम करती हूँ, मेरी आती ही कब बहुत कम है, लेकिन अब मैंने बता दिया प्रमोशनल वीडियोस से भी अगर आप चाहो तो 10,000 तक रुपए कमा सकते हो प्रमोशनल वीडियोस से भी, अगर आप अच्छे से मतलब वीडियोस बनाते हो करते हो। 10,000 छोड़ो, 15,000 तक भी आप कमा सकते हो प्रमोशनल वीडियोस से, या फिर पैसे नहीं कमाते हो तो आपको सामान मिल जाता है, सामान मिल जाता है, इस तरीके से भी होती हैं एड्स, और अधिकतरों में सामान ही देते हैं, पैसे कम कम किसी किसी में देते हैं। तो चलो, लेकिन अगर हमें ज़रूरत होती है सामान की तो हम ऐसी वीडियो भी बन कर सकते हैं, है ना जी। तो मैंने आपको एग्जैक्ट चीज़ें बता दी कि मेरे को कितना है, कितना मुझे इस चीज़ का वो कुछ नहीं है यार। देखो इंसान ना जो प्राइवेट नौकरी करता है वहाँ भी तो कमाता है ना, वहाँ भी पैसे कमाते हैं 30,000-25,000, और यहाँ पे पता है आपको लगता है ये काम आसान है, यूट्यूब का काम आपको इसलिए आसान लगता है क्योंकि आपको लगता है कि हम अपनी दिनचर्या ही तो दिखा रहे हैं। नहीं, आपकी गलत फहमी है। आपको पता है हमें इस प्लेटफॉर्म पे अपनी हर एक चीज़, मतलब आप समझ सकते हो कि ना, मतलब हमें कितना, आप सोच सकते हो कि कितना बोल्ड काम है ये यूट्यूब का, आप सोच के देखो। आपकी एक गलती, आपसे कुछ भी गलती हो जाए, और गलतियां होती हैं, हर इंसान से होगी, अगर आप यूट्यूब पे आए हो तो आपसे होंगी गलतियां, क्योंकि आपको हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो आपको यहाँ पे नहीं बोलनी चाहिए। आप वीडियो में कई बार आप इतना घुस जाते हो कि आप बता जाते हो, आप बोल देते हो, अपने इमोशंस शेयर कर देते हो, फीलिंग शेयर कर देते हो, ऊपर से आपको इतने इतने कॉमेंट्स, आपको पता है कितने लोग कितना कुछ बोल देते हैं, तो उनको भी आपको सुनना पड़ता है, उन्हें इग्नोर करना पड़ता है। सिक्योरिटी होती है कि यार घर से बाहर निकल रहे हैं कोई, मतलब कोई गलत इंसान हमारे हमें मतलब ऐसे ना करे, और बहुत बार होता है, आपने भी मुझे देखा है कि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मुझे कितनी बार तो थानों के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम बहुत ज़्यादा आसान है, आसान नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत का काम भी बहुत ज़्यादा है, इस काम में बहुत मेहनत है क्योंकि खुद का काम है। एक होता है कि आप कहीं नौकरी करते हो, आप 10 घंटे की नौकरी करते हो, वापिस आके आपको लगता है कि हाँ हम अपनी लाइफ जी लेते हैं, पर ये तो काम आपका है, पूरा काम आपका है, आपको एडिटिंग भी आपको करनी है, आपको कंटेंट भी आपका होता है, आपकी चीज़ें भी आपकी होती हैं, आपको वीडियो रिकॉर्ड्स करने होते हैं, उसके अलावा अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने होते हैं, थंबनेल बनाने होते हैं, टाइटल, मतलब बहुत काम होता है एक वीडियो में। आपके एक वीडियो को शुरू से आखिरी तक करने में 6-7 घंटे लग जाते हैं, इतना काम होता है एक वीडियो का, बता रही हूँ मैं। और मैं 4-4 वीडियोस का करती हूँ ना, 2-3 वीडियो मेरे चैनल से जाती है, मम्मी पापा जी के चैनल से जाती है, तो आप सोच के देखिए कि
कितना ज्यादा मेहनत लग जाती होगी ना, पूरा दिन पूरा दिन। मैं अभी आज कितने बजे उठी हूँ, मैं 5:30-6 बजे उठी हूँ, और मुझे पता है मैं रात को 8 बजे से पहले फ्री नहीं होने वाली, मैं फ्री नहीं होने वाली रात के 8 बजे से पहले। तो सोच के देखो, 6 से 14 घंटे, 14 से भी कई बार 15 घंटे आपको काम करना पड़ता है। इसके अलावा बच्चा भी देखना होता है, घर की भी मतलब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी है कि मेरी मम्मी काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे, बहुत मेरे मम्मी पापा मेरी इस मामले में हेल्प करते रहते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये है कि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला हुआ है, मैं थोड़ा अच्छे से काम पे ध्यान दे पा रही हूँ। और मेहनत आपको पता ही है मैं कितनी कर रही हूँ, यूट्यूब पे पूरा जी जान लगा रखी है मैंने, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर लूँ, बच्चे के लिए कुछ कर लूँ। अगर सनी होते तो आज के टाइम में मैं 20,000 रुपये महीना कमा रही थी, 30,000 सनी कमा रहे थे, 50,000 रुपये हमारे अच्छे खासे हमारी ज़िंदगी सही चल रही थी। लेकिन अब मुझे ये होता है कि ना कि ठीक है मेहनत करनी है, बच्चे के लिए फटाफट घर बनाना है, उसके लिए एक प्लॉट भी लेना चाहती हूँ, बस करना चाहती हूँ, सिर्फ बच्चे के लिए मेहनत कर रही हूँ, लगी हुई हूँ। तो मैंने आपको जो था सच बता दिया, जितना था जो था बोल दिया, क्योंकि मेरे को ये चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि देखो कि कुछ लोगों को ये मतलब कोई कुछ कहे, देखो जो जितना था मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और चलिए इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।